हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। प्रिय छात्रों, आज कक्षा 12 के छात्रों के लिए इंग्लिश ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, जिसकी सभी प्रकार की विधियां और रूल्स इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे एग्जाम्पल के साथ, और इसके साथ साथ एक्सीलेंट की गाइड में जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी इसी प्रकार की वीडियो में बैक टू बैक आपको मिलता रहेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज अर्थात वाक्यों के रूप को परिवर्तित कर देना, यानी किसी भी सेंटेंस के रूप को इस प्रकार से बदल देना कि उसका अर्थ परिवर्तित ना होने पाए। तो अर्थात इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि वाक्य का अर्थ वही होना चाहिए, वाक्य का अर्थ ना बदलने पाए, लेकिन वाक्य का जो रूप हो वो परिवर्तित हो जाए। तो इसके लिए सबसे नंबर एक पर जो पहली विधि होती है वो हम देखते हैं एडवर्ब से संबंधित होती है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लिम। तो ऐसे वाक्यों की संरचना पहले देख लेते हैं कैसे होती है। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट लिखा रहता है, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद ये टू जो कि एडवर्ब है, एडवर्ब होता है, उसके बाद में कोई एडजेक्टिव आता है, ठीक है, और जो अगला हिस्सा होता है उसमें इन्फिनिटिव होती है। जैसे द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लिम। तो जो एडवर्ब टू वाले सेंटेंस होते हैं इसमें आगे इन्फिनिटिव का होना अनिवार्य होता है। तो ऐसे वाक्यों को जब हम परिवर्तित करते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लिखते हैं, फिर टू को हटा करके वहाँ पर सो का प्रयोग करते हैं, सो के बाद फिर एडजेक्टिव शब्द लिख देते हैं, फिर दैट का प्रयोग कर देते हैं, और वाक्य में अगर फार मी है तो उसके लिए दैट आई किया जाता है, और यदि फार अस है तो दैट वी किया जाता है, फार हिम है तो दैट ही किया जाता है, और फिर आगे जो इन्फिनिटिव है उसको हम लिखते हैं निगेटिव कर दिया जाता है, कैन नाट। अब यहाँ पर कैन नाट का प्रयोग कब होगा, जब इधर का हिस्सा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा तो इधर कैन नाट का प्रयोग करेंगे, और अगर इधर का हिस्सा पास्ट में होगा तो इधर कुड नाट का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस अब बन जाएगा, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नाट क्लिम, दैट आई कैन नाट क्लिम, यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से टू को जब हटाते हैं तो इस सूत्र के हिसाब से सेंटेंस को बना दिया जाता है। दूसरा रूल देख लेते हैं, कभी कभी ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं जैसे लिखा होगा द ट्री इज टू हाई, अर्थात सिर्फ एडजेक्टिव तक ही वाक्य सीमित होगा, आगे इन्फिनिटिव वाला हिस्सा नहीं होता है। तो जिन वाक्यों में इन्फिनिटिव वाला हिस्सा नहीं होता है तो वहाँ पर हम एक्सटर्नली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे द
वेदर इज टू कोल्ड। अब इसके आगे इन्फिनिटिव नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, बना देंगे द वेदर इज एक्सटर्नली कोल्ड या द वेदर इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। हल करके देख लेते हैं, द वेदर इज एक्सटर्नली कोल्ड। इस प्रकार से इन वाक्यों को हल कर दिया जाता है। और ध्यान रखने के लिए मैं कुछ प्रोनाउन भी लिख दे रहा हूँ, जैसे कि अगर फॉर मी लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे दैट आई, फॉर अस लिखा है तो हम लिखेंगे दैट वी, और अगर फॉर हिम लिखा है तो लिखेंगे दैट ही। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे वाक्यों को जब हम बनाते हैं तो वे वाक्य निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये टू जो एडवर्ब है ये वाक्य को निगेटिव कर देता है। तो जब हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं तो उनका अर्थ नहीं के माध्यम से निकाला जाता है। आइए छात्रों, आप एक्सीलेंट किताब से ट्रांसफॉर्मेशन की जो एक्सरसाइज हैं उसकी जो पहली एक्सरसाइज है जिसमें एडवर्ब टू को हटाना है अर्थात वहाँ से गायब करना है, तो आइए हल करके देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, जिसका हिंदी में अर्थ हो गया मैं इतना व्यस्त हूँ कि शादी का फंक्शन या समारोह अटेंड नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं, आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट। अब चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, आई एम लगा है, इसलिए यहाँ पर कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे। आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड मैरिज सेरेमनी, और इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा है, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो नंबर दो पर देखते हैं, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट आई, अब फॉर मी दिया है तो आई कर देंगे, दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ये बन जाता है। फिर तीसरा देखते हैं, द बॉय इज टू अनहेल्दी टू डू दिस वर्क। तो द बॉय इज सो अनहेल्दी दैट ही कैन नॉट डू दिस वर्क। अगला देखते हैं, सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। इस सेंटेंस में प्रिय छात्रों इन्फिनिटिव वाला हिस्सा नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे, सी इज ईगर फॉर हर रिजल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट क्योंकि इसमें इन्फिनिटिव वाला हिस्सा नहीं था, इसलिए दैट आई कैन नॉट या दैट ही कैन नॉट का प्रयोग नहीं होगा। पांचवा सेंटेंस है, ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। इसमें भी इन्फिनिटिव का हिस्सा नहीं है, तो ही इज एक्सटर्नली
proud of his knowledge. अगला देखते हैं, she is too young to travel alone. तो she is so young that she can not travel alone. अगला है, मोहन इज टू स्ट्रांग फॉर मी टू बी डिफीटेड. मोहन इज सो स्ट्रांग दैट आई कैन नॉट डिफीट हिम. अगला देखते हैं, आठ नंबर, ही इज टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. तो ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. अगला देखते हैं, ही वाज टू टायर्ड टू वर्क. तो हम लिखेंगे ही वाज टू टायर्ड टू वर्क. तो ही वाज सो टायर्ड दैट ही, अब यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, दैट ही कुड नॉट वर्क. वह इतना थका हुआ है कि अब कार्य नहीं कर सकता. अगला, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडर स्टूड. वह इतनी तेज बोलता है कि उसे कोई भी सुन नहीं सकता है. तो ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडर स्टूड. अर्थात वह इतनी तेज बोलता है कि उसे नहीं समझा जा सकता. तो उसे का मतलब उसकी बात को नहीं समझा जा सकता. 11 नंबर पर देखते हैं, द बुक इज टू हैवी टू लिफ्ट फॉर मी. अर्थात बॉक्स इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता. तो द बॉक्स इज so heavy that I cannot lift, या it भी लगा सकते हैं. अगला देखते हैं, 12 नंबर, he is too old to work hard. वह इतना बूढ़ा है कि कठिन परिश्रम नहीं कर सकता. तो he is so old that he can not work hard. अगला देखते हैं, 13 नंबर, he is too old to run the race. वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता, अर्थात दौड़ में भाग नहीं ले सकता. तो he is so old that he cannot run a race. 14 नंबर, the tree is too high for me to climb. यानी पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता. तो the tree is so high that I cannot climb. पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता. 15 नंबर है, she is too proud to apologize. यानी वह इतनी अभिमानी है या घमंडी है कि वह क्षमा नहीं मांगेगी. तो she is so proud
दैट सी कैन नॉट अपोलोगाइज, अर्थात वह इतनी घमंडी है कि वह माफ़ी नहीं मांग सकती। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सी इज सो प्राउड दैट सी विल नॉट अपोलोगाइज, यानी वह इतनी घमंडी है कि वह माफ़ी नहीं मांगेगी। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1A के 15 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब आइए साथ में एक्सरसाइज 1B के भी सेंटेंसों को देख लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. एक्सरसाइज 1B के अंतर्गत पहला सेंटेंस है, ही इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प, वह इतना अभिमानी है कि वह किसी की सहायता स्वीकार नहीं कर सकता। तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। दूसरा है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी ओवर लुक्ड, यानी जनसंख्या की समस्या इतनी गंभीर है, भयानक है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, आइए इसको देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। अगला देखते हैं, ही वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक, वह इतना डरता है कि बोल नहीं सकता, या वह इतना डरा हुआ था कि बोल नहीं सकता था। ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही कूड नॉट स्पीक, वह इतना डरा हुआ था कि वह कुछ भी बोल नहीं सका। अगला है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी खबर इतनी अच्छी है कि यह सच नहीं हो सकती। तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। अगला देखते हैं, 5 नंबर पर, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, चाय इतनी गर्म थी कि मैं पी नहीं सकता। द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। 6 नंबर देखते हैं, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, यानी इतनी अधिक ठंड है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तो इट इज सो कोल्ड दैट नो वन, अर्थात नन कैन गो आउट। अब यहाँ पर कैन के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इधर सब्जेक्ट को नन कर दिया गया है जो कि निगेटिव हो गया है, यानी इतनी अधिक ठंड थी कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। अगला देखते हैं, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, इसमें भी इन्फेंटिव वाला हिस्सा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देंगे। He is eager beyond the proper limit. फाइव
फार प्रेज, ही इज ईगर, यहाँ पर थोड़ा छूट गया, फार प्रेज लिख लेते हैं, ही इज ईगर फार प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसमें कैनट का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि फार के बाद कोई भी मुख्य क्रिया नहीं आती है। आठ नंबर देखते हैं, द नाइफ इज टू ब्लंट टू शार्प एन द पेंसिल विथ, यानी चाकू इतनी भोथरी थी कि पेंसिल नहीं बनाई जा सकती। ब्लंट का मतलब होता है जिसकी धार चली जाती है, अर्थात उसको भोथरी या भोथरा कहा जाता है। देखते हैं, द नाइफ इज सो ब्लंट, द नाइफ इज सो ब्लंट दैट इट कैन नॉट शार्पन द पेंसिल विथ। अगला देखते हैं, इज टू इल टू डू एनीथिंग, वह इतना बीमार है कि कुछ भी कर नहीं सकता। He is so ill that he cannot do anything. अगला है, He is too kind-hearted to be a successful administrator. यानी वह इतना दयालु हृदय वाला है कि वह सफल प्रशासक नहीं हो सकता। तो he is so kind hearted that he can not be a successful administrator। इस प्रकार से आपकी 1A और 1B दोनों एक्सरसाइज समाप्त हो गई।